शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी द्वारा अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित करने के बाद महाविकास आघाड़ी में जो बात बनती दिख रही थी वो बिगड़ती दिख रही है। दरअसल कांग्रेस भी नाराज है सांगली की सीट को लेकर कि वहाँ पर जब बातचीत चल रही थी तब एक तरफा घोषणा क्यों कर दी गई अपने उम्मीदवार की। उसी तरह उत्तर पूर्व मुंबई की सीट पर भी एनसीपी नाराज है क्योंकि वो चाहती थी कि वो सीट एनसीपी को मिले। इस संबंध में किस तरह की है नाराजगी और आगे अब एनसीपी क्या करेगी ये बात करने के लिए हम बात करते हैं विजयताई चौहान से जो कि वरिष्ठ एनसीपी के नेता हैं और मुख्य प्रवक्ता भी हैं। मैम, शिवसेना ने उद्धव बाला साहब ठाकरे के गुट ने एक तरफा घोषणा कर दी तो क्या महाविकास आघाड़ी में जैसे आप लोग एक सीट मांग रहे थे तो आप लोग क्या सह लेंगे, चुप हो जाएंगे या फिर क्या होगा आगे? नहीं, पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे में कोई नाराज़गी यानी शिवसेना में, कांग्रेस में, राष्ट्रवादी में कोई नहीं है। हम लोग एक साथ में महाविकास आघाड़ी करके लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। लेकिन मुंबई की जो लोकसभा की 6 सीटें हैं उनमें से एक सीट जो है वो ईशान्य मुंबई, वो हमारी हक की सीट है जहाँ पर संजय दीना पाटिल पहले हमारे MP थे। और अगर वो शिवसेना में चले गए और वो शिवसेना को वो अगर सीट चाहिए तो शिवसेना ने हमें हमारे हक की दूसरी सीट देनी चाहिए जो सेंट्रल नॉर्थ में आती है, वो हमें मिलनी चाहिए। तो ऐसा हमारा है कि भाई एक्सचेंज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देना ये एकदम अन्यायकारक है। क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस भले ही शिवसेना ताकतवर है, हम ना नहीं बोलते, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है, हमारे पास भी ताकत है। हमारे कार्यकर्ता बहुत नाराज़ हो रहे हैं, बार बार हमारी मुंबई के अध्यक्ष जो है राखी जाधव, उन्होंने भी हमारे अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब फिर शरद पवार साहब से साथ हम लोग बैठे, हम लोगों ने कहा कि ये हमें सीट एक चाहिए, अगर शिवसेना वो ले रही है तो हमें मध्य मुंबई की जो सीट है वो दे, एक्सचेंज कर सकते हैं हम लोग। ऐसा कुछ करने से नाराज़गी कार्यकर्ताओं की दूर होगी और हमारी ताकत जो है हम राष्ट्रवादी कांग्रेस करके हम लोग जो हमारी ताकत है वो कमज़ोर करना नहीं चाहते, वो हम लोग बढ़ाना चाहते। लेकिन अब तो अन्याय हो चुका है आप लोग के ऊपर और शिवसेना का अभी तक का रवैया यही है कि एक बार उद्धव बाला साहब ठाकरे ने घोषणा कर दी तो पीछे नहीं हटते, तो अब तो पीछे हटेंगे लगता नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं नहीं, बाला साहब ठाकरे ने जी ने आपको मालूम है, याद दिलाना चाहती हूँ मैं कि भाजपा नहीं थी मुंबई में और महाराष्ट्र में, ये बाला साहब ठाकरे का हाथ पकड़ के ही ऊपर तक आ गए। तो उद्धव जी तो फिर भी हमारी ये जो है वो समझ सकते हैं, उन्होंने 4 सीट भले ही अनाउंस की है लेकिन उनके हक की 3 सीट है, कांग्रेस की 2 है, हमारी 1 है, वो हम लोग मांग रहे हैं, वो हमें दे देनी चाहिए, इतने ही मांग नहीं देंगे तो आप लोग क्या करेंगे, चुप हो जाएंगे? नहीं, ऐसा थोड़ी होगा नहीं देंगे। अभी आघाड़ी का धर्म होता है एक दूसरे के साथ बातचीत करें, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है पहले ही, और हम लोग चाहते हैं कि हमें शिवसेना ये सीट देगी, हमें पूरा यकीन है उसमें। उनके तेवर से तो लगता नहीं कि आपको देंगे अपने वापस, उनके तेवर, उनके मिजाज, उनके तेवर शिवसेना के तेवर है, हमारे तेवर हमारे तेवर है, हम लोग तो ये सीट लड़के रहेंगे ही, एक सीट हम लोग मांग रहे हैं वो हमें देनी चाहिए बस। उत्तर पश्चिम सीट से जैसे संजय निरुपम थे वो चाह रहे थे कि उनको मिले, कांग्रेस से वो सीट चली गई UBT के पास, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन है फ्रेंडली फाइट हो सके, तो क्या इस तरह का कुछ आप लोग भी सोच रहे हैं कि अगर नहीं मिलती है तो हम फ्रेंडली फाइट करेंगे? देखो, फ्रेंडली फाइट नहीं होना चाहिए, अगर संजय निरुपम चाहते हैं तो एक साथ बैठ के कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि संजय निरुपम जी वहाँ से लड़े हैं, मैं ना नहीं कहती हूँ, लेकिन इन्होंने अगर अनाउंस किया है तो कांग्रेस की सीट कांग्रेस को तो मिलनी ही चाहिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सीट राष्ट्रवादी को मिलनी चाहिए। भाई, मैं NCP की बात पूछ रहा था कि NCP भी क्या चाहती है कि फ्रेंडली फाइट लड़े या शांत हो जाएगी अगर नहीं बात पर? नहीं, शांत तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्या करेंगे, लड़ेंगे, और हमें पूरा यकीन है कि उद्धव जी है, आदित्य जी है और संजय राउत जी है, उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि हमारे हक की सीट हमें वो जरूर देंगे। लड़ेंगे माने क्या, मतलब बातचीत करेंगे या अगर वो नहीं मानते तो हम चुनाव में लड़ेंगे? अभी तक तो उन्होंने फॉर्म भरा नहीं है, फॉर्म भरने के बाद भी फॉर्म पीछे ले सकते हैं, अभी तो फॉर्म भरा नहीं है, अभी उम्मीद है आप लोग। हमारे सीट जो है वो हमें मिलनी चाहिए, इतनी मांग है। हाँ, तो हम लोगों ने पूरी तैयारी करके रखी है कि हमारे नीलेश भोसले जो है वो लड़ सकते हैं, राखी जाधव लड़ सकती है, तो हम लोगों ने दोनों को तैयार रहने को कहा है। शाम को जो MBA की मीटिंग है उसमें ये बात उठेगी? हाँ, तो हम लोग तो लड़ने के लिए तैयार है,
और नहीं लड़ेंगे तो कार्यकर्ता कैसे बचेंगे? कार्यकर्ता खुश रहेंगे तो शिवसेना के लिए काम करेंगे, कांग्रेस के लिए काम करेंगे, लेकिन मुंबई में हमारा जो कार्यकर्ता है उसका अगर खच्चीकरण हो जाएगा, उसको अगर नाराज हो जाएगा तो मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस हम लोग रहना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और हम लोग हमारे कार्यकर्ता बहुत बड़ी तादाद में है मुंबई में, तो हमें ये हमारी सीट मिलनी चाहिए, इतनी प्रार्थना है और कुछ। धन्यवाद से बात करने के लिए। तो सांगली में कांग्रेस से पेच फंसा हुआ है, वो नाराज है। मुंबई के उत्तर पश्चिम सीट पर कांग्रेस जो है कि नाराज है, खास करके संजय अनुपम नाराज हैं। उन्होंने अपने नेतृत्व को अल्टीमेटम दे दिया है कि आप एक हफ्ते में फैसला लीजिए, वरना हम मेरे लिए अपना अलग रास्ता लेने का फैसला जो है खुला रहेगा। दूसरी तरफ महायुति में भी भले ही फॉर्मूला तय है कि 28 सीटें बीजेपी के पास जाएंगी, एकनाथ शिंदे गुट के पास 14 सीटें जाएंगी और एनसीपी अजीत पवार के पास 5 सीटें आ सकती हैं, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है, इसलिए अभी तक घोषणा अज की तौर पर नहीं हो पाई है। जैसे नासिक की जो सीट है, नासिक की सीट पर एकनाथ शिंदे गुट के वर्तमान सांसद हैं और वो चाहते हैं कि चुनाव लड़ें, लेकिन जो जानकारी उभर कर आ रही है कि वो सीट एनसीपी अजीत पवार के हिस्से में जा सकती है और छगन भुजबल जो है कि वहाँ से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं, तो वो एक मामला यहाँ पर पेच फंसा हुआ फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। सातारा की सीट है, सातारा की सीट वैसे एनसीपी की है लेकिन उस पर बीजेपी अपना दावा ठोक रही है और वहाँ से उदयन राजे भोसले का नाम चल रहा है कि उन्हें वो टिकट मिलेगी। और अमरावती का भी पेच फंसा हुआ था, हालांकि अमरावती से नवनीत राणा का नाम घोषित कर दिया है बीजेपी ने, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय एक विधायक हैं बच्चू गढ़, वो बहुत नाराज हैं। वो शिवसेना की एक सीट थी तो उनके जो नेता हैं वो भी इस बात को लेकर नाराज हैं, तो उनको भी मनाने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। इस तरह से जो मामला है कुछ कुछ सीटों पर सभी, चाहे महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो, मामला पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और खास करके मुंबई की बात करें तो महायुति में चूँकि अब एमएनएस के भी एंट्री होने की बात है, चर्चा चल रही है, मीटिंगों का दौर जारी है, तो वो दक्षिण मुंबई की सीट मांग रहे हैं, जबकि वो एकनाथ शिंदे के कोटे की सीट है, उस पर हालांकि पहले से ही बीजेपी ने अपना दावा कर रखा है और अब एमएनएस आने की वजह से तो पेज फंस गया है। तो कुल मिलाकर जो है कि महायुति हो, महाविकास आघाड़ी हो, अभी भी सीटों के बंटवारे का पेज फंसा हुआ है, कुछ सीटों के अदला बदली का पेज फंसा हुआ है, कुछ सीटों पर तो उम्मीदवारों ने न मिलने का पेज फंसा हुआ है, लिहाजा अधिकृत तौर पर घोषणाएं नहीं हो पा रही है। जबकि आज बहुत उम्मीद थी कि महायुति के तीनों दल एक साथ घोषणा करेंगे, लेकिन अभी तक इसकी कोई खबर नहीं आई है कि कब घोषणा हो पाएगी। और महाविकास आघाड़ी में भी जो बात बिगड़ी हुई है, आज खुद शरद पवार एक महाविकास आघाड़ी की बैठक लेने वाले हैं, उसमें उद्धव ठाकरे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेता भी उपस्थित रहेंगे नाना पटोले, और कोशिश करेंगे कि जो बिगड़ चुकी है बात उसको फिर से पटरी पर लाया जा सके। लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश और कार्यकर्ताओं के उत्साह, नाराजगी और चुनाव के बाद पार्टी के अपना अस्तित्व बचाने के नजरिए को देखते हुए लगता नहीं कि सब कुछ इतनी आसानी से सुलझ पाएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।